सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसा हुआ गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ब्लॉग में। तो चलिए जी, दिन की 12 बज चुकी है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई अपने गाँव मुखवा से। और अगर मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और तेज़ धूप के साथ साथ आज तेज़ हवाएँ भी चल रही है। तो चलिए जी, अभी हम लोग आ गए अपनी भांजी के घर में और आज भांजी ने ही हमारा खाना कर रखा है। तो पहले देव पूजा में जाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। और अब भांजी जी भी तैयार हो रही है मेले में जाने के लिए। तो अभी दिन के टाइम पे देव पूजा होती है और शाम के टाइम पे रासो लगता है। तो चलिए जी, हमारी भांजी भी होगी मेला में जान ले तैयार। मैं जान लगी हूँ, मैं वही तैयार दूर ना देव पूजा लग रही तक सभी लोग मेटिया तकागा म समेश्वर देवता मिल देखता बड़ा प्यार प्रेम से देव पूजा होती। जै दिन से सुधांश हमारो मेरे बेटा सुधांश पूजा लाद तै दिन से सभी लोग सब लोग खुश होता। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में और यहाँ पे समेश्वर देवता की डोली का श्रृंगार किया जा रहा है और उसके बाद होगी यहाँ पे देव पूजा। तो चलिए जी, पूजा शुरू होने से पहले सभी लोग जा रहे हैं भीम धारा में, तो वहाँ से जल भर के लेके आएंगे और फिर होगी यहाँ पे देव पूजा। जल लेके सभी लोग पहुंच गए माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में।
तो चलिए जी, देव पूजा भी संपन्न हो गई और समेश्वर देवता का भोग भी मिल चुका है और शाम को लगभग 5 बजे यहाँ पे रासो नृत्य होगा। तो चलिए जी, देव पूजा के बाद अभी हम आ गए भांजी के घर पे और भांजी की बड़ी वाली बहू ने आज हमारे लिए लंच बना रखा है। और जो लंच में बना रखा है ये देखिए, ये है रायता और ये है मिक्स सब्जी और ये है राजमा की दाल और साथ में है रायता और ये पूरी और ये चटनी और ये देखिए पापड़ और साथ में हरी मिर्च। सागति सोना सामे सुरा सारा दूधा मे जम ग्वाड़ी असवार नागे लोयाए गोता छिड़ू ध्यान नागे लोआए साबी भेणी आंदा सामे सुरा त्यारा ऊँचा दूरे जम। तो चलिए जी, भांजी के घर से अभी हम लोग आ गए खाना खा के और टाइम लगभग 4 बज चुका है और जो रासो मेला है वो शाम को लगभग 5 से 5:30 बजे तक होगा। तब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और उसके बाद फिर से तैयार होंगे और फिर से जाएंगे मेले में। तो चलिए जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी शाम की लगभग 5:15 बज चुकी है और अभी मेरी तैयारी है मेले में जाने की, जहाँ पे कि समेश्वर देवता का मेला हो रहा है गंगा जी के प्रांगण में। और अभी जैसे मैं बाहर निकली ना, वैसे रुमझुम वाली बारिश भी हो रही है। वैसे यहाँ पे हमारे महुआ में ज़्यादा मोटी बारिश तो नहीं होती है, बिल्कुल ऐसी हल्की हल्की और रुमझुम वाली बारिश होती है। और अभी मैंने बिल्कुल सूट पहना हुआ है क्योंकि अभी मेरे बस का नहीं रहा साड़ी पहनना, क्योंकि बहुत थक गई थी साड़ी में, तो सूट पहन के ना थोड़ा कम्फर्टेबल महसूस होता है। तो निकलती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में और कुछ लोग अभी जा ही रहे हैं। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में और यहाँ पे समेश्वर देवता की डोली को छुलाया जा रहा है और थोड़ी देर तक समेश्वर देवता की डोली को छुलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लगेगा राशु। तो चलिए जी, अभी यहाँ पे समेश्वर देवता की डोली को बारी बारी से सभी ने छुलाया और अब यहाँ पे लग रहा है रासु। Yeah.
पूजा संपन्न होने के बाद अभी मैं पहुंच गई घर पे, तो बहुत ही भव्य रहा ये नाग देवता का और समेश्वर देवता का मेला। तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है तो ठंडा भी हो गया। अब गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ और फिर डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। और आप सभी भक्तजनों पे नाग देवता और समेश्वर देवता की कृपा आशीर्वाद बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं समेश्वर देवता और नाग देवता से करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय समेश्वर देवता, जय नाग देवता, बाय बाय।